गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम ट्रांसलेशन में वर्कशीट 24 के 16 टू 30 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। आज हम क्या करेंगे बच्चों, आज हम वर्कशीट 24 के 16 टू 30 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आप जानते हैं मैंने आपको वर्कशीट 24 में क्या सिखाया है, यूज ऑफ देयर। तो बच्चों मैंने आपको देयर का यूज सिखा दिया है कि हम देयर का यूज कब करते हैं। बताइए, जब हमारे सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता और किसी भी ऑब्जेक्ट की मौजूदगी होती है तब हम देयर का यूज करते हैं। चलिए जो हमारा 16 नंबर पर जो सेंटेंस है उसको देखते हैं। तो देखिए जो हमारा 16 नंबर पर सेंटेंस है वो क्या है, तुम्हारे हाथ में एक अंतिम चाबी है। क्या है बच्चों, तुम्हारे हाथ में एक अंतिम चाबी है। तो बच्चों तुम्हारे हाथ में की आप क्या बनाओगे, इन योर हैंड। एक अंतिम चाबी की आप क्या बनाओगे, अ एक अंतिम मतलब लास्ट, और चाबी, चाबी का क्या हुआ की, तो क्या हो गया, इन योर हैंड अ लास्ट की। और है कि आप क्या लिखोगे, देखिए एक चाबी है तो आप क्या लिखोगे, इज। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप सेंटेंस को इस तरीके से तो नहीं स्टार्ट कर सकते हो, इज द लास्ट की, इज द लास्ट की इन योर हैंड, ऐसे तो नहीं बना सकते हो ना, पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा। तो क्या रह गया बच्चों इसमें, इसमें आपको आगे लगाने के लिए सब्जेक्ट नहीं है, तो वो सब्जेक्ट हम कौन सा यूज करेंगे, देयर। तो बताइए क्या बन गया, There is the last key in your hand. क्या हो गया, There is the last key in your hand. मतलब तुम्हारे हाथ में एक अंतिम चाबी है। तो क्या बना बच्चों, There is the last key in your hand. मतलब तुम्हारे हाथ में एक अंतिम चाबी है। समझ आया। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 17 नंबर पर जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, देखिए, मेरे घर के बगीचे में कुछ पत्तीदार वृक्ष हैं। मेरे घर के बगीचे में कुछ पत्तीदार वृक्ष हैं। तो मेरे घर के बगीचे में, तो बच्चों क्या बनेगा, मेरे घर के बगीचे में मतलब क्या हुआ बताइए आप, बोलिए, इन द पार्क ऑफ माई हाउस। मेरे घर के बगीचे में, इन द गार्डन ऑफ माई हाउस या इन द पार्क ऑफ माई हाउस। ठीक है, कुछ पत्तीदार वृक्ष हैं, सम लीफी ट्रीज। वृक्ष को पेड़ बोलते हैं, तो सम लीफी ट्रीज क्या हो गया बच्चों, इन द पार्क ऑफ माई हाउस सम लीफी ट्रीज। और हैं बहुत सारे, कुछ पेड़ों की बात हो रही है मतलब एक से ज्यादा पेड़ की बात हो रही है, तो आप क्या लगाओगे, आर, है ना। तो बताइए क्या बनेगा, There are some leafy trees in the park of my house. क्या बना, There are some leafy trees in the park of my house. क्या बना बच्चों, There are some leafy trees in the park of my house. मतलब मेरे घर के बगीचे में कुछ पत्तीदार वृक्ष हैं। आपको समझ आया क्या हुआ, There are some leafy trees in the park of my house. मतलब मेरे घर के बगीचे में कुछ पत्तीदार वृक्ष हैं। चलिए अब हम 18 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो 18 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है, उसके दफ्तर के पास कुछ स्थानीय दुकानें हैं। क्या हुआ बच्चों, उसके दफ्तर के पास कई स्थानीय दुकानें हैं। तो उसके दफ्तर के पास क्या बना बताइए मुझे, बोलिए आप, Near his office. उसके दफ्तर के पास मतलब near his office. कई स्थानीय दुकानें हैं, कई many, स्थानीय local, दुकानें shops. हैं are, क्योंकि कई दुकानों की बात हो रही है ना, तो are. तो क्या बना बच्चों, There are many local shops in his, near his ऑफिस। क्या बना बच्चों बताइए मुझे, देयर आर मैनी लोकल शॉप्स नियर हिज ऑफिस। क्या बना बच्चों, बोलिए, देयर आर मैनी लोकल शॉप्स नियर हिज ऑफिस। ओके,
तो उसके दफ्तर के पास कई स्थानीय दुकानें हैं. देयर आर मैनी लोकल शॉप्स नियर हिज ऑफिस. ओके, चलिए तो आपको 18 नंबर का सेंटेंस समझ आया. तो चलिए अब हम अपना 19 नंबर का सेंटेंस देखते हैं. तो 19 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है, इस पुस्तकालय में पढ़ने के लिए कुछ सीमित किताबें हैं. क्या है बच्चों, इस पुस्तकालय में पढ़ने के लिए कुछ सीमित किताबें हैं. तो इस पुस्तकालय में मतलब इन दिस लाइब्रेरी, इस पुस्तकालय में इन दिस लाइब्रेरी पढ़ने के लिए टू रीड, पढ़ने के लिए टू रीड कुछ सीमित किताबें हैं. कुछ सीमित किताबें, सम लिमिटेड बुक्स. क्या हो गया, सम लिमिटेड बुक्स हैं. कुछ किताबों की बात हो रही है ना, एक से ज्यादा हैं तो आर. तो क्या हो गया बच्चों, देयर आर सम लिमिटेड बुक्स टू रीड इन दिस लाइब्रेरी. क्या हो गया बच्चों, बताइए आप मुझे. देयर आर सम लिमिटेड बुक्स टू रीड इन दिस लाइब्रेरी. क्या हुआ, देयर आर सम लिमिटेड बुक्स टू रीड इन दिस लाइब्रेरी, मतलब कुछ किताबें हैं पढ़ने के लिए इस पुस्तकालय में. तो देयर आर सम लिमिटेड बुक्स टू रीड इन दिस लाइब्रेरी. आपको समझ आया, क्या हुआ, इस पुस्तकालय में पढ़ने के लिए कुछ किताबें हैं. चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं. तो 20 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है, मेज पर कुछ आवश्यक फाइलें हैं. मेज पर, ऑन द टेबल, कुछ आवश्यक फाइलें मतलब सम इम्पोर्टेंट फाइल्स. तो क्या हुआ बच्चों, सम इम्पोर्टेंट फाइल ऑन द टेबल. अब कुछ फाइलें हैं तो आर. क्या हुआ बच्चों, अब देखिए, देयर आर सम इम्पोर्टेंट फाइल्स ऑन द टेबल. दोबारा बोलिए, देयर आर सम इम्पोर्टेंट फाइल्स ऑन द टेबल, मतलब मेज पर कुछ आवश्यक फाइलें हैं. आपको समझ आया. चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं. तो 21 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, देखिए. तो 21 नंबर पर जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, मेरे दिमाग में कोई स्वतंत्र विचार नहीं है. मेरे दिमाग में कोई स्वतंत्र विचार नहीं है. तो बच्चों, मेरे दिमाग में, इन माई माइंड, मेरे दिमाग में मतलब इन माई माइंड, कोई स्वतंत्र विचार. तो कोई स्वतंत्र विचार मतलब एनी फ्री थॉट या फिर आइडिया, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो. तो क्या हुआ, इन माई माइंड एनी फ्री थॉट नहीं है, नॉट, और हम कोई भी नहीं है तो क्या लगाएंगे, बताइए आप मुझे, बोलिए. थॉट, कोई विचार की बात हो रही है ना, एक से ज्यादा हो रही है तो आर. और वैसे भी आप देख सकते हैं, है पर बिंदी लगी है. तो बच्चों क्या बनेगा, देखिए क्या बनाएंगे हम. अब आपने नॉट का आपका पहला आया है तो देयर आर नॉट. क्या बोलोगे आप, देयर आर नॉट, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ही आप नॉट लगाएंगे. ओके, तो क्या बन गया, देयर आर नॉट. अब कोई स्वतंत्र विचार, तो मतलब एनी फ्री थॉट्स, तो देयर आर नॉट एनी फ्री थॉट्स. मेरे दिमाग में, इन माई माइंड, तो क्या बना बच्चों, देयर आर नॉट एनी फ्री थॉट्स इन माई माइंड, मतलब स्वतंत्र मतलब मुफ्त है ना, फ्री. तो क्या बना, देयर आर नॉट एनी फ्री थॉट्स इन माई माइंड, मतलब मेरे दिमाग में कोई स्वतंत्र विचार नहीं है. देयर आर नॉट एनी फ्री थॉट्स इन माई माइंड. चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं. तो 22 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, रसोई में कोई भरा हुआ मटका नहीं है. तो रसोई में, इन किचन, कोई भरा हुआ मटका, एनी फिल्ड पिचर, नहीं है, इज नॉट. तो क्या हुआ बच्चों, देयर इज नॉट एनी फिल्ड पिचर इन द किचन. क्या बना, देयर इज नॉट एनी फिल्ड पिचर
इन द किचन, मतलब रसोई में कोई भरा हुआ मटका नहीं है। देयर इज नॉट एनी फिल्ड पिचर इन द किचन। ओके, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 23 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, तालाब में कुछ चलायमान, मतलब तैरते हुए, मतलब क्या हुआ बच्चों, बोलिए आप, फ्लोटिंग, ठीक है, तैरते हुए फ्लोटिंग पौधे हैं तालाब में। इन द पॉन्ड कुछ चलायमान पौधे, तो मतलब सम फ्लोटिंग प्लांट्स। तालाब में इन द पॉन्ड कुछ चलायमान पौधे, मतलब सम फ्लोटिंग प्लांट्स। क्या हुआ बच्चों, सम फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, आर, ठीक है, तो क्या हुआ, देयर आर सम फ्लोटिंग प्लांट्स इन द पॉन्ड। देयर आर सम फ्लोटिंग प्लांट्स इन द पॉन्ड, मतलब तालाब में कुछ चलायमान पौधे हैं। आप जानते हो फ्लोट का मतलब भी तैरना होता है, फ्लोटिंग, तैरते हुए। ओके, तो देयर आर सम फ्लोटिंग प्लांट्स इन द पॉन्ड, तालाब में कुछ चलायमान पौधे हैं। उसके बाद जो हमारा 24 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, देखिए, स्टोर रूम में बेचने के लिए कोई अनावश्यक सामान नहीं है। स्टोर रूम में बेचने के लिए कोई अनावश्यक सामान नहीं है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, स्टोर रूम में, इन द स्टोर रूम, स्टोर रूम में, इन द स्टोर रूम, बेचने के लिए टू सेल, बेचने के लिए टू सेल, कोई अनावश्यक सामान, तो क्या हुआ बच्चों, सम यूजलेस थिंग्स, कुछ अनावश्यक सामान, मतलब सम यूजलेस थिंग्स, नहीं है, नहीं है, मतलब आर नॉट, तो क्या हुआ बच्चों, देयर आर नॉट सम यूजलेस थिंग्स इन द स्टोर रूम टू सेल। क्या हुआ बच्चों, देयर आर नॉट सम यूजलेस थिंग्स इन द स्टोर रूम टू सेल, मतलब स्टोर रूम में बेचने के लिए कोई अनावश्यक सामान नहीं है, ठीक है। देयर आर नॉट सम यूजलेस थिंग्स इन द स्टोर रूम टू सेल। चलिए उसके बाद जो हमारा 25 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है देखते हैं। बॉलीवुड में कुछ छरहरी अभिनेत्रियां हैं। छरहरी मतलब दुबली पतली, स्लिक। छरहरी का मतलब क्या होता है बच्चों, दुबली पतली, स्लिक। तो बॉलीवुड में, इन बॉलीवुड, कुछ छरहरी मतलब दुबली पतली अभिनेत्रियां, तो सम स्लिक, सम स्लिक हीरोइंस, सम स्लिक हीरोइंस, या फिर एक्ट्रेस भी लिख सकते हो, ठीक है, हैं, आर, ठीक है। तो क्या बना बच्चों, देयर आर सम स्लिक हीरोइंस इन बॉलीवुड, क्या बना, बॉलीवुड में कुछ छरहरी अभिनेत्रियां हैं, मतलब देयर आर सम स्लिक हीरोइंस इन बॉलीवुड। स्लिक की स्पेलिंग क्या होती है, एस एल आई सी के, स्लिक, क्या होती है, एस एल आई सी के, स्लिक। और हीरोइन की क्या होती है बताइए बच्चों, एच ई आर ओ, एच ई आर ओ आई एन ई एस, आई एन ई एस, हीरोइंस, एच ई आर ओ आई एन ई एस, एच ई आर ओ आई एन ई एस, हीरोइंस। तो क्या हो गया बच्चों, देयर आर सम स्लिक हीरोइंस इन बॉलीवुड। तो आपको 25 नंबर का सेंटेंस समझ आया क्या है, बॉलीवुड में कुछ छरहरी अभिनेत्रियां हैं, देयर आर सम स्लिक हीरोइंस इन बॉलीवुड। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 26 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, तो 26 नंबर पर जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, इस अस्पताल में कोई दयालु डॉक्टर नहीं है। इस अस्पताल में कोई दयालु डॉक्टर नहीं है। इस अस्पताल में, मतलब इन दिस हॉस्पिटल,
कोई दयालु डॉक्टर, एनी काइंड डॉक्टर्स, एनी काइंड डॉक्टर नहीं है, इज नॉट, क्या हुआ बच्चों, देयर इज नॉट एनी काइंड डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल, क्या हुआ, देयर इज नॉट एनी काइंड डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल, मतलब इस अस्पताल में कोई दयालु डॉक्टर नहीं है, देयर इज नॉट एनी काइंड डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल, समझ आया आपको। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं, तो 27 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, गांव में कोई डरा हुआ आदमी नहीं है, क्या है, गांव में कोई डरा हुआ आदमी नहीं है, गांव में इन विलेज कोई डरा हुआ आदमी, एनी स्केयर्ड मैन, कोई डरा हुआ आदमी, एनी स्केयर्ड मैन नहीं है, इज नॉट, तो क्या बना, देयर इज नॉट एनी स्केयर्ड मैन इन द विलेज, तो क्या बना, देयर इज नॉट एनी स्केयर्ड मैन इन द विलेज, मतलब गांव में कोई डरा हुआ आदमी नहीं है। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं, तो 28 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, तो 28 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, मेरे परिवार में कोई जुड़वा बच्चा नहीं है, तो मेरे परिवार में कोई जुड़वा बच्चा नहीं है, मेरे परिवार में मतलब इन माई फैमिली कोई जुड़वा बच्चा, तो एनी ट्विन चाइल्ड, कोई जुड़वा बच्चा मतलब एनी ट्विन चाइल्ड नहीं है, इज नॉट, तो क्या बना बच्चों, देयर इज नॉट एनी ट्विन चाइल्ड इन माई फैमिली, क्या हुआ, देयर इज नॉट एनी ट्विन चाइल्ड इन माई फैमिली, मतलब मेरे परिवार में कोई जुड़वा बच्चा नहीं है, देयर इज नॉट एनी ट्विन चाइल्ड इन माई फैमिली। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं, तो 29 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, मेज पर तैयार खाना है, क्या है, मेज पर तैयार खाना है, मेज पर ऑन द टेबल, तैयार खाना है मतलब रेडी फूड, तैयार खाना है मतलब रेडी फूड है, इज, तो क्या हुआ बच्चों बताइए, देयर इज रेडी फूड ऑन द टेबल, देयर इज रेडी फूड ऑन द टेबल, मतलब मेज पर तैयार खाना है, देयर इज रेडी फूड ऑन द टेबल। चलिए अब हमारा जो अगला सेंटेंस है 30 नंबर का वो क्या है देखिए, तो 30 नंबर पर जो सेंटेंस है वो है, इस कारखाने में कई मजबूर मजदूर हैं, इस कारखाने में कई मजबूर मजदूर हैं, तो बच्चों देखिए, इस कारखाने में इन दिस फैक्ट्री, इस कारखाने में इन दिस फैक्ट्री कई मजबूर मजदूर हैं, तो कई मजबूर मजदूर मतलब मैनी हेल्पलेस वर्कर्स, मैनी हेल्पलेस वर्कर्स, मजबूर हेल्पलेस मजदूर वर्कर्स, ठीक है, तो क्या हुआ, मैनी हेल्पलेस वर्कर्स इन दिस फैक्ट्री हैं, तो क्या आएगा, आर, तो क्या बना, देयर आर मैनी हेल्पलेस वर्कर इन दिस फैक्ट्री, देयर आर मैनी हेल्पलेस वर्कर इन दिस फैक्ट्री, मतलब इस कारखाने में कई मजबूर मजदूर हैं, तो बच्चों आपको 30 नंबर का सेंटेंस समझ आया, तो बच्चों आपको वर्कशीट 24 के 16 टू 30 सेंटेंसेस समझ आए, आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में 16 टू 30 सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में लिखने हैं, क्या करना है, वर्कशीट 24 के 16 टू 30 सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में लिखने हैं, ओके, आज के लिए बस इतना ही, चलिए गुड बाय।